Possibilities and opportunities are always available. What's needed is an attitude to find them. मौके और दस्तूर हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जरूरत है तो सिर्फ उन्हें खोजने के दृष्टिकोण की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को कैसे पता चलता है कि हमें प्रोटीन की जरूरत है, इसके बारे में कुछ छोटी सी चर्चा करूंगा। आपके साथ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। कुछ पूछ रहा हूँ बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रोटीन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसे तत्व मौजूद होते हैं। ये हमारे शरीर को अंदर और बाहर से मजबूत करता है, साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं को बनाने में ये हमारी मदद भी करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार भी देता है। हमें बीमारियों की चपेट में आने से भी ये बचाता है प्रोटीन। तो जानते हैं ये और क्या क्या फायदे देता है, साथ ही इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत है। ऐसे क्या संकेत हमें मिलते हैं जिसकी वजह से हमें पता चले कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है? तो उसके लक्षण हैं, पहला कमजोरी व थकान महसूस होना, दूसरा बाल व नाखून के कमजोर होकर टूटकर गिरना, तीसरा हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं उसका कमजोर होना, चौथा हमारे हड्डियों का कमजोर होकर टूटने का खतरा, पांचवा हमारे बाल में रूखापन और बाल उलझना, छठा हमें बार बार इन्फेक्शन होना, बीमार होना, सातवां हमारे फैटी लीवर में खतरा बढ़ना। तो ये सारे चीज़ें से हमें पता चलता है कि हमें हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। तो आप अपने आहार में ऐसे पोषक तत्व व प्रोटीन लें जिससे आप स्वस्थ महसूस करें और स्वस्थ रहें। अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप दूध, दही, खोया, पनीर, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर में कैल्शियम और विटामिन पाए जाते हैं जो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं आप और आपको ये स्वस्थ रखते हैं। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप अपने आहार में कटहल का भी सेवन कर सकते हैं, पका कटहल हो या फिर कच्चे कटहल का आप अचार या फिर सब्जी बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जिन लोगों को कटहल खाना पसंद नहीं है वो सोया का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सोया मिल्क, सोया नट्स, सोयाबीन और सोयाबीन के दाने। इन सभी चीज़ों को आप किसी भी प्रकार में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको प्रोटीन की कमी को ये पूरा करता है। आप सुबह सुबह खाली पेट अंकुरित अनाज का भी सेवन कर सकते हैं, इससे आपका वजन भी कंट्रोल रहता है और इसमें पोषक तत्व और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अंकुरित अनाज में आप काले चने, मूंग, जो भी आप मिक्स करके अंकुरित अनाज खा सकते हैं। तो ये था प्रोटीन से मिलने वाले संकेत के बारे में कि आपके शरीर में कैसे पता चलता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, उसके बारे में मैंने बताया। साथ ही साथ मैंने ये बताया कि आप उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं। तो मेरी वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय वंदे मातरम।